यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आज के चैप्टर की तरफ चल सकते हैं। यस नीतू, मैं आपको पोस्ट बना देती हूँ। आज चैप्टर 6 जो है बहुत छोटा चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के बारे में जानेंगे। नीतू, आपका बैकग्राउंड से साउंड आ रही है। अच्छा, मेरे ही बैकग्राउंड से आ रहा था, सॉरी। यस यस फ्रेंड्स, तो हम लोग ए सोल्स जर्नी, पीटर रेसेलू, एक आत्मा की यात्रा बुक के साथ आज फिर से हैं। तो चैप्टर 6, आज पीटर अपने नींद से उठने के बाद उनको क्या हुआ कि हर दिन जैसे एक बार उनके साथ हुआ था। 4th चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि उनको अपना एस्ट्रल बॉडी में सब कुछ याद था कि उन्होंने क्या क्या एस्ट्रल बॉडी में किया। तो आज जब वो नींद से उठे, उन्हें कुछ याद नहीं था कि कल रात को उनके साथ क्या हुआ। तो उन्हें थोड़ी सी मायूसी होती है ना, हम कोई चीज पा लेते हैं फिर वो चीज छीन जाता है। तो छीना नहीं, लेकिन आज उनके साथ उनको अनुभूति के रात को एस्ट्रल बॉडी में उन्होंने क्या किया उन्हें याद नहीं था। तो उन्हें समझ में आया कि हमें उनको एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। तो आप लोग भी बताइए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो मैंने बहुत ही वैसा सवाल पूछा है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है। फिर भी मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी होगी फ्रेंड्स। यस, मेडिटेशन जी। सो यहाँ तो हम सब ऑलरेडी मेडिटेटर्स है, ग्रेट। यस फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान करना होगा। तो पीटर रेसेलू को भी समझ में आया कि मुझे और ज्यादा फोकस, और ज्यादा कंसेंट्रेट, एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सत्य की एक झलक देख लेते हैं और एकदम से वह सब नहीं कर पाते हैं जो अन्य लोग कर लेते हैं। यस यस यस, ध्यान ध्यान ध्यान। यस फ्रेंड्स, तो ऐसा होता है कि जो बहुत लोग होता है, दूसरे जो कर लेते हैं, सत्य की झलक पा लेते हैं, उसके बाद वो जो कर लेते हैं दूसरे लोग उसे नहीं कर पाते हैं, या फिर एक बार कर लिए दोबारा नहीं कर पाते हैं, तो फिर बहुत निराश हो जाते हैं। और निराश होके कितनी बार क्या करते हैं, हम कोशिश छोड़ देते हैं। जबकि होता है कि जो फाइनल स्टेज होता है, परिणाम होता है, उसके पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य और संकल्प हमें रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, कितना बार होता है इतनी विचार आती है तो हमें लगता है कि बाबा नहीं कर सकते, मेरा बस का बात नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन उसे प्रयास करते हैं, हर दिन अपने आप के साथ बैठते हैं, एक दिन आप ध्यानी, ध्यानी से ऋषि, ऋषि से ब्रह्म ऋषि, इस तरह से यात्रा आप कर लेते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही हार मान लेते हैं तो हम कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। तो आपका जो धैर्य है और संकल्प कि मुझे एवरी डे करना है, संकल्प बहुत कोई भी चीज को अंजाम देने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग संकल्प बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो हमें ज्ञान पाने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा है। ये हर कोई कह रहे हैं, हर कोई, हमारी जो मास्टर है ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी सर, हमेशा, और इतने बुक्स पढ़ने के बाद भी वो लगातार हर दिन बुक रीडिंग करते रहते, अपना एक भी समय को ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हैं। और हम लोग जो ये एक आत्मा की यात्रा बुक के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ही ज्ञान लेना होता है फ्रेंड्स। तो ज्ञान को सबसे बड़ा कहा गया है, क्योंकि ज्ञान से हमारे अंदर एक नई सोच, एक नई समझ हमारे अंदर डेवलप होती है। सोल एवोल्यूशन में, चेतना में आगे बढ़ने की इच्छा मन में जागती है। हम वो सब कुछ करते हैं जो सब के लिए हम शरीर में आए हैं। ज्ञान ना हो तो हम ऐसे ही खाए पिए, सो गए, काम काज कर लिए, और इस तरह से अपना समय को
बस ऐसे ही गवा देते हैं, और ज्ञान के साथ हम अपने समय, अपने टाइम, अपने ऊर्जा की सही यूज कर पाते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक पीटर ने सूक्ष्म जगत के बहुत छोटा हिस्सा उसने देखा, हम लोगों ने देखा जो फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद उसने जिस हिस्से में गया, जहां उसने अपने भाई से मिला, तो वो सूक्ष्म ये एस्ट्रल वर्ल्ड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था फ्रेंड्स, जहां ज्यादातर लोग शरीर छोड़ने के तुरंत बाद जाते हैं। तो जब कोई सूक्ष्म जगत के स्थायी निवासी बन जाते हैं, तो इन हिस्सों में जो नीचे के ये स्तर है, वहां ये लोग इतना नहीं आते जाते हैं। कभी जाते भी हैं तो कब आते हैं, जब उनके कोई रिलेटिव का, कोई फ्रेंड का, कोई संबंधी का मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वो आते हैं। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जगत के जो खंड है, खंड किसको बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन। सूक्ष्म जगत के जो खंड है उसे हम डायमेंशन के रूप में समझ सकते हैं, 7 डायमेंशन होते हैं। तो हम जब हायर डायमेंशन का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई नीचे है कोई ऊपर है, तो ये सब है ना आपस में एक साथ है, सबकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, इसे हम लोग और समझेंगे। तो सूक्ष्म जगत की जो चेतना के, चेतना अवेयरनेस सबकी, देखिए ना, सोच डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसी को ही खंड समझ सकते हैं। कोई है अपने सोच से विचारों से ऊपर है, कोई अपने सोच से विचारों से नीचे है, तो यही है फ्रेंड्स डायमेंशन, खंड। तो सूक्ष्म जगत में भी चेतना के 7 खंड है। तो हर खंड जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका घनत्व, इसका जो डेंसिटी होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं ना, वैसे वैसे इसका डेंसिटी कम होने लगती है, घनत्व कम होने लगती है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में खंड के बारे में समझते हैं कि कौन से खंड में क्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पहला खंड जहां हम शरीर छोड़ने के तुरंत बाद जाते हैं, वो हमारे जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ना, भौतिक जगत जैसा सेम टू सेम होता है। कितना बार शरीर छोड़ने के बाद सोल को लगता है, उसे बिलीव ही नहीं होता कि वो मर चुका है, उसे लगता है तो सब कुछ वैसा ही है। फिर धीरे धीरे जब वो देखता है कि उसे कोई सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तब उसे फील होता है कि अच्छा, मैं शरीर में नहीं हूं। तो यहाँ के लिए और बताया गया है कि यहाँ पे सोचने मात्र से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इच्छा शक्ति से वो सेकेंड्स में कुछ भी ट्रैवल कर सकते, जैसे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने सुना था कि 2.5 मिनट में पूरा अर्थ का ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह से, और इस सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म लोक है फ्रेंड्स, इसे है ना छाया स्वरूप समझ सकते हैं। फर्स्ट डायमेंशन को हमारे ये जो भौतिक वर्ल्ड है, इसका आप छाया स्वरूप बोलते। छाया स्वरूप कैसा होता है, जैसा मेन इमेज होता है उसका कॉपी, तो ये छाया स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे सूक्ष्म जगत के निवासी की आदतें और इच्छाएं, शुरू में जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं ना, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं ज्यादा मटीरियलिस्टिक होती है, खाने का, घूमने का, पीने का, ये सब अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में जब हम स्थायी निवासी बनने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी ये इच्छाएं कम भौतिक, मतलब मटीरियलिस्टिक कम होने लगती है, और कलात्मक, आध्यात्मिकता हमारी ज्यादा बढ़ने लगती है। हम ज्यादा स्पिरिचुअल, ज्यादा आर्टिस्टिक, ज्यादा कला में रुचि लेने वाले हम ज्यादा बनने लगते हैं। तो वैसे वैसे वो, जैसे जैसे हम इन चीजों में रुचि लेने लगते हैं ना, वैसे वैसे हम ऊपर के खंडों में जाने लगते हैं, तीसरे, चौथे, इन खंडों में फिर हम जाते हैं। जैसे जैसे हमारी रुचि, हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता हमारे अंदर विकसित होती है, हम ऊपर के खंड में जाते हैं, और जब तक नहीं विकसित होती है, हम नीचे के खंडों में ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी यहाँ पे कोई भी किसी भी खंड में आना जाना कर सकता है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ कभी भी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमेशा लोग एक खंड से दूसरा खंड में कोई भी कभी भी आ जा सकता है। तो इसके कारण यहाँ पे इस तरह के भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं रहता है। और सूक्ष्म जगत में वहां पे हमारे विकास मार्ग के लिए स्कूल्स होते हैं फ्रेंड्स। यस, यहाँ पे भी स्कूल्स, आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पे बातें बताई गई है, कि जिससे उनके मन में
ये जो हम भौतिक शरीर से वहां जाते हैं, हमारे मन में एक खंड से दूसरे खंड में जाने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि इन खंडों में जो ये स्कूल होते हैं ना, इन स्कूलों में इसके बारे में ज्ञान, इसके बारे में बातें बताई जाती है, आगे जाने की इच्छा फिर सामने वाले इंसान के अंदर पैदा होती है। जैसे अभी हम लोग एक सोल जर्नी बुक पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिकता की बातें करते, सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम हमारे अंदर भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बढ़ने लगती है, हम भी विकसित होना चाहते हैं। ठीक उसी तरह वहाँ के स्कूलों में भी हमें सिखाया जाता है, इन चीजों पे ग्रो करने के लिए बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए हमारे शरीर के जो कणु अणु होते हैं, अणुओं को उस खंड के हिसाब से कैसे सक्रिय किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, उस तरह से वहाँ उस स्कूलों में इन सब चीजों के बारे में भी सिखाया जाता है। जैसे हम FM में कोई म्यूजिक चलता है, तो वहां पे हर FM का एक ट्यून, एक वो फ्रिक्वेंसी होता है, उसके साथ जब हम ट्यून करते हैं तब उसमें उस तरह के गाने चलते हैं। ठीक वैसे ही हमें हमारे शरीर के एस्ट्रल बॉडी के भी अणुओं को आगे के डायमेंशन में जाने के लिए कैसे उनको एक्टिवेट करना होता है, ये सब भी वहाँ सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ ऐसे लोग हैं जो विश्व समस्याओं पर चर्चा करते हैं, जो ऊपर के खंड होते हैं ना, उसमें इस तरह के लोग होते हैं, उनको ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ के चले गए तो उनको धरती से कोई मतलब नहीं है। वो लोग धरती का एवोल्यूशन के लिए, अर्थ प्लेन के लिए हमेशा वहां पे बैठ के चर्चा करते रहते हैं, उपाय निकालते रहते हैं कि कैसे धरती ग्रह और भी ज्यादा इवॉल्व हो, हायर डायमेंशन में जा सके, इसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। जो संगीतज्ञ होते हैं, कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ये सब भी उसी खंड में रहते हैं, ऊपर के खंडों में। और वहां के लोग जो होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बुद्धि बुद्धिमान होता है, बुद्धिशील बोलते हैं ना, ज्ञानी आदमी। तो वहां पे हायर जो डायमेंशन में है, वो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं। तभी तो वो लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं कि पूरी दुनिया, अर्थ प्लेन, जहां उनका नाम कोई नहीं जानेगा, लेकिन फिर भी उन्हें ये है कि अर्थ प्लेन को कैसे इवॉल्व करा जाए, क्या किया जाए धरती पे, तो ये सब के बारे में वहां चलता रहता है। और फ्रेंड्स, वहां ऐसे भी जीवन है जो मनुष्य से बिल्कुल डिफरेंट है, ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें हम कितनी बार देवदूत कहते हैं, देव जगत कहते हैं, एंजल किंगडम कहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां पे जीवन वहां पे आपको देखने मिलेगा। और वो भी जैसे हम इंसान इवॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे वो भी अपनी यात्रा में ऐसे नहीं कि वो ठहर गए हैं, वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। एंजल लोग भी अपने डायमेंशन में और इवॉल्व कर रहे हैं, देव और इवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा चलती जाती है, बोलते हैं ना ये यात्रा अनंत है, तो अनंत यात्रा में वो लोग चलते जाते हैं। तो वो लोग भी हमारी तरह पहले कीड़े मकोड़े थे, फिर मछली या पक्षी। एंजल्स के बारे में ज्यादातर कहा गया है, और जो प्रकृति आत्मा होती है, कि ज्यादातर जो मछली या पक्षी होती है, वो मूल तत्व जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में सुना था, पानी के एकदम नीचे रहते हैं, वो या तो पहले मूल तत्व बनते हैं, और मूल तत्व से फिर प्रकृति आत्मा, नेचर स्पिरिट्स, देव देवदूत, एंजल्स, वहां से वो लोग डायरेक्ट आते हैं। वो लोग ह्यूमन बॉडी में नहीं आते हैं, वो सीधे उसमें। इसीलिए बोला जाता है ना कि एंजल्स को ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें इंसानी इमोशंस के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन उन्हें आप जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं आपका इंस्ट्रक्शन। तो इन्हें हम परिया भी कहते हैं, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम सबके ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा कुछ अच्छा करे, अच्छा हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, ये लोग है ना तीसरे खंड के नीचे कभी नहीं रहते, ये लोग तीसरे खंड के ऊपर के खंडों में ही ये लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन जब कभी इंसान को जरूरत होता है तो वो जरूर आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, चौथा खंड, फोर्थ डायमेंशन में क्या होता है, वहां पे जो ये शारीरिक गतिविधियां होती है ना, लोगों का आना जाना, फिजिकल देखना, ये सब जगह पे
बहुत कम होता है, मानसिक गतिविधि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा नजर आती है। वहां पे लोग मुंह से भी बात नहीं करते हैं, विचार से ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक थॉट मिल जाती है। वहां उन्हें बात करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो अपने आप में इतना ज्यादा वो रहते हैं, एक अलग चेतना में आ जाते हैं, एक अलग इवोल्यूशन के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो उन्हें शारीरिक गतिविधि नहीं होती है, वहां मानसिक गतिविधि होती है। और वहां के लोगों के जो मुख्य शौक है वो है विकासात्मक समस्याओं पर चर्चा करना, जैसे अभी अभी मैंने कहा विज्ञान के विकास के जुड़ी समस्याओं पर, या फिर कोई नया थ्योरी, इन सबको वो बनाते रहते हैं। और यहाँ वो हर चीज विचार स्वरूप है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत बार हम लोग देखते हैं ना, कोई साइंटिस्ट है, कोई लोग है जो है ना कोई चीज को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, और अचानक से उनके अंदर वो मेडिटेशन में बैठे या रात को सोए और सुबह उठे, उनके अंदर एक बहुत सुंदर एक कोई विचार अचानक से उनके अंदर आया। तो ये वही है ऊपर के खंड में जो मास्टर्स है, जो ऐसे लोग है जो इन पे रिसर्च करते हैं, वो उनके दिमाग में डाल देते हैं वो विचार। तो इस तरह से नई नई साइंस ज्यादा नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं। एक म्यूजिशियन को अचानक से नई कोई धुन उनके दिमाग में आती है, तो इस तरह से चीजें वहां पे रचा जाता है और इंसान के विचार में, इंसान के दिमाग में डाला जाता है, ताकि धरती ग्रह में लोगों को ये सब चीजें मिल सके। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे की यात्रा करते रहते हैं, और इनके बारे में और भी कहा गया, जो ये एंजल्स है, देवी देवता वहां के जो है, जब मान लीजिए पृथ्वी पर कोई ऐसी कोई भूकंप हुई, समुद्र से कभी होता है ना प्राकृतिक आपदा जो हम बोलते हैं, ऐसा अगर कभी भी कुछ भी होता है, तो वो तब बहुत प्रचुर मात्रा में वो लोग पूरे के पूरे एक तरह से होते हैं ना, वो यहाँ पे अर्थ पे आते हैं, भौतिक जगत में लोगों को हेल्प करने के लिए वो अवेलेबल होते हैं और वो आते हैं, लोगों को मदद करते हैं, एस्ट्रल बॉडी में ही मदद करते हैं, लेकिन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इंडियन मॉन्क ने पीटर से कहा कि आज तुम्हें मैंने इतना कुछ बताया, इतना कुछ तुमको समझा अलग अलग डायमेंशंस के बारे में। पीटर के साथ साथ आप लोगों ने भी सुना आज के बारे में कि कितने सारे डायमेंशंस है। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ चीजें मैंने बता दी है, अब तुम अगली सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार रहो। और इसके बाद पीटर मॉन्क चले जाते हैं, और वो पीटर को जो बोल के चले जाते हैं, उसके बाद पीटर अपनी तरफ से फिर से प्रयास करता है रात में सूक्ष्म शरीर में बाहर निकलने का, तो वो सफल भी रहता है। हाँ, वो अलग अलग डायमेंशन में नहीं जाता, घर से बाहर निकलता है, आसपास थोड़ा जाता है, फिर वापस आता है, लेकिन इस बार उसे याद रहता है। तो ये था फ्रेंड्स चैप्टर 6, और हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आज हम लोग बेसिकली 4th चैप्टर तक का समझे, धीरे धीरे हम लोग आगे आगे आते जाएंगे, तब हम लोग चैप्टर 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन और मानसिक डायमेंशन, इन सब के बारे में भी आगे के चैप्टर में समझेंगे। तो आज हमारे पास समय है, और चैप्टर 7 फ्रेंड्स बहुत लंबा है, तो हम लोग थोड़ा सा चैप्टर 7 भी कवर कर लेते हैं आज। तो आज हम लोग चैप्टर 7 में अब आते हैं, जहाँ पीटर अब जो है, इस बार मॉन्क ने उन्हें कहा कि इस बार जब हम लोग मिलेंगे आगे की यात्रा में ले चलूंगा। अभी हम लोग 1st डायमेंशन का सिर्फ यात्रा सुने, आज जो है इंडियन मॉन्क पीटर को 2nd डायमेंशन में लेके जाने वाले हैं, और पीटर खुद से अनुभव करेगा कि 2nd डायमेंशन में क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फ्रेंड्स, आज जब पीटर सुबह अपने शरीर में जब वो वापस आए, तो उनको एक मूवी की तरह सब कुछ याद था, और वो जो सबसे पहला काम करते थे, उन्होंने एक कॉपी पेन लिया और सब कुछ तुरंत लिख लिया। और वो कुछ भी ऐसा उनको लगा कि आज उनको कुछ भी हार्ड, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा चीजों को याद रखने के लिए, आज एस्ट्रल ट्रैवल में उन्हें सब चीज बहुत इजीली याद रहा। तो इसके बाद हम लोग जैसे पहले देखे थे ना कि उनको पहले कितना मुश्किल हो रहा था, इसके पहले चैप्टर में ही उनको याद नहीं था,
लेकिन आज उनको लगा कि अब वो दो तीन बार कर लिए तो उनको लगा कि हाँ इजी हो गया, अब मुझे याद भी रहता है और एस्ट्रल ट्रैवल मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो आज ठीक 10 बजे उनका टाइम था इंडियन मॉन्ग से मिलने का। तो जो पीटर है ये अपना पूरा रेडी थे, जैसे जैसे इंडियन मॉन्ग ने उन्हें गाइड किया था कि तुम इतना बजे खा लेना, फिर सो जाना, 9 बजे 9:45 तक तुम खाना उना 7 बजे खाना खा के 9:45 तक बिस्तर पे चला जाना और 10 बजे तक तुम सो जाना 10 बजे के अंदर अंदर, और 10 बजे जब तुम सो जाओगे हम लोग एस्ट्रल बॉडी में मिलेंगे। तो पीटर ने देखा कि जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसा ही सेम पीटर किए, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडियन मॉन्क अभी तक नहीं आए, आज इंडियन मॉन्क को आने में थोड़ी देर हो गई। तो करीब करीब 10:05 या 10:10 पे इंडियन मॉन्क की उन्हें आवाज सुनाई दी। तो पीटर के पूछने पे उन्होंने कारण बताया कि आज उनका एक फ्रेंड का मृत्यु हो गया था, शरीर छोड़े थे, तो उसको ये जो इंडियन मॉन्क है उसे हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो जो आत्मा थी उनका जो फ्रेंड थे उसका बीमारी था बहुत ज्यादा, वो बीमारी से अपना लड़ रहे थे। तो बीमारी के कारण जो उनका फिजिकल बॉडी है वो बहुत कमजोर हो गया था, वीक हो गया था, और जिसके कारण बायवी तत्व जो हम लोगों ने सुना एथरिक मटेरियल के बारे में पिछले चैप्टर में, एथरिक मटेरियल में वो जो जैसे ही वो शरीर छोड़े ना एथरिक मटेरियल में कवर हो गए थे, तो वो एथरिक मटेरियल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनको बहुत सुबह से वो लगे हुए थे, समझा रहे थे कि इसको तुम अपनी इच्छा शक्ति से बाहर हटा दो, लेकिन वो नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि वो अभी भी अपने आप को मान रहे थे कि मैं भौतिक शरीर में हूँ, मैं कमजोर हूँ। तो उस तरह से उसे हेल्प कर रहे थे, और जब उसने अपने इच्छा से अपने बायवी तत्वों को हटा दिया, फिर उन इंडियन मॉन्क ने उसे आगे के हेल्पर्स के पास उनको छोड़ के फिर आए। तो आगे की यात्रा के लिए वहाँ हमेशा हमारे लिए हेल्पर्स मास्टर्स रहते हैं जो गाइड करते हैं। जैसे हम कोई नया शहर में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, गाइड मिलते हैं ना कि यहाँ पे यहाँ ऐसे होता है, यहाँ के ये रूल्स है, ऐसे आपको सुविधा मिल जाएगी, उस तरह से एस्ट्रल बॉडी में भी गाइड करने के लिए हमारे मास्टर्स हेल्पर्स वहाँ होते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जब करके यहाँ पे इंडियन मॉन्क ने आया उसके पास, तो उसके बाद उन्हें बोला कि चलो अब हम लोग आगे की यात्रा के में चलते हैं, और तुम अभी आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह से रेडी हो तो चले हम लोग आगे की यात्रा में। तो ये कहते हुए ये लोग आगे की यात्रा में जाने के लिए तैयार हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वो बोले कि आगे की डायमेंशन, जैसे कि मैंने अभी भी आपको कहा कि आगे की डायमेंशन या ऊपर की डायमेंशन मतलब ये नहीं कि कोई किसी से ऊपर या नीचे। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी इस सेशन में जो लोग हैं, लाइफ में कितने लोग हैं, तो सबकी सोच अलग अलग है। कोई सोच रहा होगा कितना बज गया, कब सेशन खत्म होगा, खाना बनाना है, खाना खाना है, फोन में फ्रेंड से बात करना है, कोई सोच रहा है कि टीवी में कुछ देखना है, दूसरा सेशन में जाना है, और कोई सोच रहा है वाह बहुत अच्छा चीजें सुनने मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो देखिए एक ही सेशन में कितने लोग हैं और सबकी सोच अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग सोच है ना, इसी को ही हम डायमेंशन समझ सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर पाई कि डायमेंशन क्या है। तो कोई पॉजिटिव सोच रहा है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, जो नेगेटिव सोच रहा है इसको हम लोग सोच सकते हैं कि लोअर डायमेंशन में है, जो पॉजिटिव थिंकिंग में है वो हायर डायमेंशन में है, जो मिराकुलस थिंकिंग में वो और हायर डायमेंशन में है। तो ये एक साथ है, चेतना का स्तर अलग अलग है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ जाने के लिए वो लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वो लोग को पहले वो लोग लंदन जाएंगे, फिर वहां से वो लोग आगे की यात्रा करेंगे। तो लंदन जाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, अभी पीटर को अच्छा से आता नहीं है, तो इंडियन मॉन्क ने उन्हें कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, और बस एक बात उनको हमेशा बोलते थे कि तुम डरना मत, डरोगे तो शरीर में वापस आओ जाओगे। पीटर का जो शरीर है ये कोलंबो में है, अब यहाँ से ये लोग इंग्लैंड से होते हुए लंदन की यात्रा करेंगे। तो पीटर ने उनका हाथ पकड़ा और तुरंत विद इन ए मिनट ये लोग लंदन पहुंच गए।
और जब लंदन पहुंच गए तो पीटर ने कहा कि जब वो पहुंचे तो जैसे हम लोग फ्लाइट से जाते हैं ना, तो उन्हें वैसा लग रहा था, नीचे कोई समुद्र इंसान नहीं दिख रहा था, कोई घर वर नहीं दिख रहा था, ऐसे लग रहा था सिर्फ समुंदर और जमीन खाली दिख रहा था, और विद इन अ मिनट वहां पे पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, इस चीज को हम लोग एक और चीज से समझ सकते हैं। हम लोग बचपन से भगवान की जो कहानियां, नारद मुनि की कहानियां हम लोग बहुत बार सुने हैं, देखे हैं। नारद मुनि कैसे होते थे, नारायण नारायण, और वो 1 मिनट में बैकुंठ, 1 मिनट में भौतिक लोक में, 1 मिनट में कहीं पे भी पहुंच जाते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो नारायण नारायण करके ये पहुंच जाते थे, ये भी साइंस है, और एस्ट्रल बॉडी में ट्रैवल इस तरह से हम सब भी कर पाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी नारद मुनि के जैसे फटाफट कहीं पे भी इच्छा से पहुंच सकते हैं, और हम सब भी पहुंच सकते हैं। मुझे बचपन में बहुत क्यूरियोसिटी होता था, कैसे ऐसे होता है, नारद मुनि के जैसे मुझे भी यात्रा करना है, 1 मिनट में वो भगवान के पास, 1 मिनट में वो इंसान के पास। बहुत इसके लिए ना मेरे अंदर सवाल उठते कि इंसान की तो कोई प्राइवेसी नहीं है, वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो ये जो बुक पढ़ा तब पता चला, अच्छा ये सब हम लोग की कर सकते हैं, और एस्ट्रल बॉडी में हम लोग ऑलरेडी करते हैं, इसीलिए ऐसी विचार हमारे मन में, मेरे मन में भी आई। आप लोगों के मन में भी ऐसी कोई विचार उठती रहती होगी। मेरे को पहले बचपन में भी ऐसा होता था, बड़े होने तक भी ऐसा होता था कि मैं उड़ू, मैं उड़ रही हूँ। तो एस्ट्रल बॉडी में ये सब हम लोग करते हैं, इसीलिए अब ये पता है कि हम लोग ऑलरेडी ये करते हैं और ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर वो लोग उड़ते हुए, वो लोग वहां से फिर लंदन पहुंचे, और वहां पे फिर पीटर ने कहा कि इतनी लंबी यात्रा किए विद इन ए सेकेंड, तो उनका सांस तक भी नहीं फूला। हम लोग होता ना, एक सीढ़ी से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हमारी सांस फूल जाती है, तो एस्ट्रल बॉडी में हमारी सांस भी नहीं फूलती है। तो वहां से वो लोग सबसे पहले लंदन के हाइट पार्क में गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये सब आप जब गूगल करोगे ना, ये सब जो नाम उन्होंने यूज किया है ना, ये सब रियल में एग्जिस्ट करता है। तो ये बुक कोई फेक लिखी हुई नहीं है, यहाँ का हर बताया हुआ चीज को आप गूगल कर सकते हैं। हाइट पार्क में इसलिए उतरे फ्रेंड्स क्योंकि वहां पे भीड़ कम होगी, तो जब पीटर एक बार उतरेगा तो वो डरेंगे नहीं, इसीलिए पहले वो लोग ऐसा शांत एक जगह चुने जहां वो लोग आराम से, एक बार बोलते हैं ना लैंडिंग, तो ये उनके लिए लैंडिंग प्लेस था। तो हाइट पार्क में उतरे, तो वहां पे वो देखे कि जब वो चल के हाइट पार्क से पिकाडली सर्कस की तरफ जा रहे थे, तो वहां बहुत भीड़ था रास्ते में। तो सेम वहां पे भी देख रहे थे कि जो इंडियन मॉन्क है वो लोगों के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, और पीटर अभी नया नया है, तो पहले तो वो ऐसे जा रहे थे कि लोग इधर से आ रहे वो इधर से, लेकिन जैसे ही कोई भौतिक शरीर में वो क्रॉस कर रहा था, ऐसे लग रहा था कोई धुएं में से बाहर निकला, तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो उसके बाद वो भी इंडियन मॉन्क के जैसे, वो भी ऊपर लोगों के सर के ऊपर से उड़ते हुए जाने लगा। तो वहां से साइड साइड से होते हुए वो लोग पिकाडली सर्कस की तरफ आगे बढ़े। तो पिकाडली सर्कस में वो लोग वहां पे भी थोड़ा सा पहुंचे, वहां पे देखे किए थोड़ा सा, फिर वहां से पिकाडली सर्कस से वो लोग जो ट्रैकेडो होटल में वो लोग अपने भाई के साथ गए थे, जहां वो लोग डिनर करने, फोर्थ चैप्टर में सब गए थे और डिनर किए थे, एस्ट्रल डिनर, वही ट्रॉकेडो ग्रिल होटल में वो लोग वापस में इस बार गए मॉन्क और वो। और वहां जाने के बाद इंडियन मॉन्क ने कहा कि अब हम लोग आगे की यात्रा करते हैं, तुमने इस, ये जो खंड है ये पहला खंड है, इस खंड का तुमने अनुभव ले लिया, अब हम लोग आगे की खंड में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इंडियन मॉन्क ने एक रूम में, वो लोग गए कि वहां पे एक रूम था बेडरूम जैसा जिसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन एस्ट्रल बॉडी में हम लोगों ने पहले भी देखा कि गेट को ऐसे क्रॉस नहीं करना पड़ता है, खोलना नहीं पड़ता, ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। तो वहां से वो लोग गेट को क्रॉस करके अंदर चले गए, उस रूम में ले गए। तो फ्रेंड्स, वहां जब वो लोग अंदर गए, तो उसके बाद वहां पे फिर से जैसे एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए हाथ पकड़ना होता था एक दूसरे का, तो यहाँ पे भी ये लोग वापस से हाथ पकड़े एक दूसरे का, और इंडियन मॉन्क ने फिर से उन्हें कहा
कि अब हम लोग सेकेंड डायमेंशन में जा रहे हैं, तो उन्हें बार बार याद दिलाते थे डरना मत, हम भी कभी एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, तो आप लोग भी ये याद रखिएगा हमें डरना नहीं है, अपने आप को एस्ट्रल बॉडी में देख के, भौतिक शरीर को देख के डरना नहीं है, डरने से हम तुरंत भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे। तो हाथ पकड़े और जैसे ही वो आंख खोले, एक होता ना आंखों के सामने सब चीज धुंधला हो गया, एक सेकंड के अंदर ऐसे एक सीनरी बना, धुंधला हो गया और आंखें खोले तो वो लोग अपने अगला खंड में वो लोग पहुंच चुके थे। तो जैसे ही पीटर वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि वहां बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ खुली हवा में वो खड़े थे, अचानक से पूरी सीनरी बदल गई, एक रूम से खुली हवा में खुले स्थान पे वो पहुंच चुके थे। ये था सेकंड डायमेंशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स उनको दिखा, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में दिखता है ऐसा नहीं, डिफरेंट टाइप के डॉग्स वहां दिखा, बच्चों की आवाजें, और वहां के जो घर है फ्रेंड्स वो हमारे अर्थ के घर के जैसा ही था, और डिफरेंट डिफरेंट घर थे। क्यों? जैसे जैसे जो लोग थे अपने अपनी कल्पना से अपने पसंद का घर, वो लोग वहां पे इल्यूशनरी घर बना रखे थे। तो वहां पे पीटर ने एक चीज नोटिस किया कि वहां पे कोई गाड़ी नहीं थी, और ना ही सड़कों में कोई गाड़ी थी, ना किसी के घर में कोई गैरेज था। तो इंडियन मॉन्क के पूछने पर इंडियन मॉन्क ने बताया यहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग सोचने मात्र से ही तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते, तो उन्हें ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी की क्या जरूरत है। तो फिर पीटर को भी लगा हाँ ठीक ही बात है। तो यहाँ पे इस डायमेंशन में कोई कल्पना से, मान लीजिए अगर कोई भौतिक जगत में किसी की इच्छा थी कि मैं बड़ा होटल में रहूं, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो वहां जाके वो बहुत समय तक अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एक होटल बना लेते हैं, इमेजिन से ही वहाँ का सर्विस, वहाँ के जो उनको काम पे लगे रहे उनके लिए, ऐसे लोग उनके सुख सुविधा में रहते, और जब तक उनका मन नहीं भर जाते हैं वो ऐसे ही जिंदगी जीते रहते जीते रहते जीते रहते, उस होटल में अपनी कल्पना की दुनिया में खुश रहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें लोग वहां पे करते रहते हैं जब तक वो बोर नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद बताया गया है कि वहां पे जो इच्छाएं होती है ना, जो धरती ग्रह पे हमारे अधूरी इच्छाएं रह जाती है, तो सबसे पहले लोग जब इस डायमेंशन में जाते हैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पहले पूरी करते हैं कल्पना शक्ति से, जिसका जैसे इच्छा, कुछ भी इच्छा आप मान लीजिए, सब अपनी इच्छा से अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड बनाते हैं, कोई अपना सुंदर घर, कोई अपना फ्रेंड्स लोग के साथ, कोई अपना बगीचा। तो फ्रेंड्स आपको लगता है ना कि मैं तो ये चाहती हूँ, हो सकता है मेरे फ्रेंड तो नहीं चाहते, तो आप कल्पना से इल्यूजन फ्रेंड भी बना सकते हैं, वो फ्रेंड सच के नहीं है, इल्यूजन फ्रेंड, इल्यूजन वाइफ, इल्यूजन हस्बैंड, आप कुछ भी कल्पना करके बना सकते हैं, और जैसे हम रियल लाइफ में फील करते हैं जीते हैं उनके साथ आप वैसे ही जीते हैं, आपको नहीं फील होगा कि आप इल्यूजनरी वर्ल्ड जी रहे हैं। अगर ऐसा फील हो जाएगा तब आपको लगेगा इसका क्या मतलब है, क्या जरूरत है, मुझे आत्मा के यात्रा में आगे, विकास मार्ग में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से वहां पे चलते रहता है। फिर एक टाइम आता है कि उनकी जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो उन्हें जबरदस्ती धकेलती है, भाई कब तक खाओगे, कब तक घर में ऐश आराम करोगे, कब तक होटलों का मजा लोगे, अब तुम्हें विकास मार्ग पे आगे बढ़ना है, आगे के डायमेंशन में जाओ, चलो चलो। तो अंदर से उनकी सोल, उनकी चेतना उन्हें आगे की यात्रा के लिए उन्हें धक्का देती है। तो फिर इस तरह से हमारे अंदर एक इच्छा जागती है कि हमें अब आगे की यात्रा करनी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ और भी बताया गया है इस खंड के बारे में कि यहाँ पे जो लोग है ना, वहाँ पे जब वो गए पीटर, तो वहाँ देखे कि वहाँ पे है ना बहुत सारी दुकानें थे जहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं इससे पहले। हाँ यही बात। तो पीटर ने पूछा यहाँ पे लोग क्यों खरीद रहे हैं, जब वो लोग इच्छा से कोई भी खाना खा सकते, कुछ भी कर सकते। तो मॉन्क ने कहा कि इंसानों को जो आदत होती है ना, कि वो भौतिक जगत में हमारी जैसी रूटीन लाइफ होती है, सुबह गए सब्जी खरीदे, घर आए खाना बनाए, तो वहां पे भी लोगों को मजा आता है, वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में
इमेजिनरी शॉप बना लेते हैं, दुकानदार बना लेते हैं, फेक वो इल्यूजन वाला मनी एक्सचेंज करते हैं और अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। जिनको आदत होती है, इल्यूजन वाले मंदिर बना लेते हैं, कोई चर्च बना लेते हैं। जैसा भौतिक जगत में रूटीन लाइफ फॉलो करते थे, सेम वैसा ही वहां पे फॉलो करते हैं। तो ये जो दुकानें देख रहे हो, ये जो लोग देख रहे हो, ये सब उनकी कल्पना में है, सच नहीं है। उसके बाद यहाँ के बारे में और बताया गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेंड्स, इनको हम समझ सकते हैं सपने की तरह। जब हम लोग सपना देखते हैं, आप लोगों ने फील किया होगा कि हम लोग जब ड्रीम देखते हैं, हमें ड्रीम में कल्पना में सब चीज वो लगता है ना कि एकदम सच लगता है। तो ये जो एस्ट्रल वर्ल्ड है ना, सेकेंड डायमेंशन, इसको उसी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग इल्यूजन वर्ल्ड, इल्यूजनरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ सच लगता है। जैसे हमें ड्रीम में लगता है, कितनी बार हम ड्रीम में डर के मारे उठते हैं तो हमें बाद में लगता है अरे ये सपना था। ठीक वैसे ही सेकेंड डायमेंशन में हर कुछ ड्रीम वर्ल्ड जैसा है, लेकिन सब कुछ इल्यूजनरी में, लेकिन उन्हें सब कुछ लगता है कि ये एकदम सच है। नेक्स्ट प्लीज। और यहाँ पे और एक बात बहुत अच्छा बताया कि यहाँ का जो मूवी है बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मूवी कोई ऐसे नहीं बनाते। यहाँ पे लोग है ना अपने विचार से एक सोच रखते हैं, जो मान लीजिए बहुत क्रिएटिव है, जिसका सोच बहुत अच्छा है, वो जो कल्पना करता है ना वो स्क्रीन में दिखाया जाता है। और वहां की मूवी में इंटरेस्टिंग बात है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। आपकी इमेजिनेशन जहां तक आपको ले जा सकती है, वो सब आप वहाँ पिक्चराइजेशन में दिखा सकते हैं। आपको जैसा म्यूजिक चाहिए, जैसा हीरो हीरोइन चाहिए, जैसा बैकग्राउंड चाहिए, जैसा सीनरी चाहिए, बस कल्पना करते हैं और बैकग्राउंड में वो जो सामने आपका थिएटर होता है उसमें दिखता है। तो उस लोक में लोग है ना सब मिलके बैठ के, बहुत जन को जो मजा आता है। तो ये वहाँ के लिए बहुत एक फेमस एक्टिविटी है, जहाँ वो लोग टाइम पास के लिए वहां पे ऐसा वो लोग करते रहते हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ ये बहुत प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक उनकी डिजायर पूरा नहीं होती है, लोग इस तरह से सालों साल जीते रहते हैं, इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं और खुश रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है कि हम लोग बोर हो जाते हैं तो आत्मा उन्हें करती है। यस, इसके बाद नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इंडियन मॉन्क उन्हें कहते हैं, इससे पहले वाला, कि अब हम लोग थर्ड डायमेंशन में चलते हैं। सेकेंड डायमेंशन में तुमने अनुभूति थोड़ा ले ली है, अब हम लोग थर्ड डायमेंशन चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी थर्ड डायमेंशन चलेंगे, कल चलेंगे। आज हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड डायमेंशन तक जाने समझे, और हम लोग भी पीटर रिसेलू के साथ साथ थर्ड डायमेंशन की अनुभूति कर लेंगे हम लोग। यस फ्रेंड्स, तो ये था, भौतिक जगत हो गया, फर्स्ट डायमेंशन हो गया, सेकंड डायमेंशन हो गया, थर्ड डायमेंशन पीटर की आंखों से, पीटर की यात्रा से हम लोग भी, कल की चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाली है। नहीं अभी ना, ये चैप्टर अभी बहुत लंबा है, तो कल ही ले पाएंगे इसको, आज कवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग को थोड़ा एक छोटा सा शॉर्ट ध्यान भी हम लोग करेंगे, बिना ध्यान के हमारे सारे सेशंस इनकम्प्लीट है। तो हम लोग ध्यान करके चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद आप लोगों का कोई सवाल होगा तो हम लोग इसके बाद लेंगे। तो आप सब तैयार है ध्यान के लिए? जो लोग अपने काम काज से निपट चुके हैं, अब ध्यान के लिए एक जगह बैठ जाएं, अब अपना कैमराज ऑन कर ले और हम सब सजग होके पूरी तरह से ग्रुप एनर्जी में एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे। अपने चश्मे उतार दे फ्रेंड्स। जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अगर आपके अंदर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है आपके अंदर, तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हम आज के एक सुंदर ध्यान के लिए तैयार हैं। चश्मे उतार दे, हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस करे, आंखें आराम से बंद। चेहरे पे एक हल्की सी प्यारी सी
छोटी सी सुंदर सी मुस्कान। हाँ डियर, थैंक यू। आंखें बंद, हम एक सुंदर यात्रा में चल रहे हैं, इसके लिए मन में सुंदर भाव और खुशी की फीलिंग को लाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, नॉर्मल नेचुरल सांसों पे। जो कुछ भी हम लोगों ने जाना, सुना, समझा, इंटीग्रेट करें फ्रेंड्स। तभी हमारा माइंड हमारा मस्तिष्क पूरी तरह तैयार होगी चीजों को लेने के लिए, समझने के लिए। अपने बर्तन को पूरी तरह से खाली करें, मतलब अपनी लॉजिकल माइंड को बिल्कुल साइड रखे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी सांसों को साधे। सांसों के साथ जुड़े, इसके लिए आपको कुछ भी बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं करना। सिंपल सरल ध्यान, आती हुई जाती हुई सांसों को बस वाचर बन के देखें। और ऐसे ही किसी दिन देखते देखते हम उस अवस्था को पा लेंगे जिसके लिए ये साधना, ये ध्यान है। कुछ पाने की इच्छा को भी ड्रॉप करें।
ये सोचें मेरे आत्मा के विकास के लिए, एवोल्यूशन के लिए हमें करना है एवरी डे। अगर आप अपने आप से ना मिलना चाहेंगे, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो कैसे आप किसी और से ये उम्मीद रखेंगे? से प्यार करना उसका पहला चरण है, खुद के साथ बैठना। इस सुंदर मौन, इस सुंदर अवस्था को पूरी तरह से जिए, इस वर्तमान समय को एंजॉय करें।
बिल्कुल विचार शून्य। हर दिन ध्यान, हर दिन सज्जन सांगत्य, हर दिन स्वाध्याय, बस 24 घंटे में 2-3 घंटे अपने आप को ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के लिए इतना तो हम दे ही सकते हैं विकास मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारे सोल इवोल्यूशन के लिए, खुद के लिए। जैसे जैसे आप विचार शून्य हो रहे हैं, आप महसूस कर सकते ऊर्जा की प्रवाह को। ये वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर प्रवेश करके हील करती है, हमारे विचारों को दिव्य बनाती है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है। इस दिव्य ऊर्जा से भरते चले जाएं, ऊर्जा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। जैसे एक मछली हमेशा पानी के अंदर ही रहती है, फिर भी पानी को खोजती रहती है, वैसे ही हम सब एनर्जी बीइंग, एनर्जी में ही भरे पड़े हैं। जब तक हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ रहता है, हम ये ऊर्जा रिसीव नहीं कर पाते। ध्यान से हमारी विचार शून्य होने लगती है, कम होने लगती है।
धीरे धीरे हम सब विचार शून्य अवस्था को अनुभव कर रहे हैं, साथ ही साथ ऊर्जा के प्रवाह को कुछ पल और भर जाए इन ऊर्जा में, इस ग्रुप एनर्जी में। रिसीव करें इस सुंदर कॉस्मिक एनर्जी को जो आपके अंदर के सारे बंद दरवाजे खोल देंगे। लास्ट मिनट बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत। जब भी आपको लगे आप ऊर्जा से भर चुके हैं, आप तैयार हैं, अपने हाथों को खोलते हुए, पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथों को आंखों पे रखें, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ वापस आएंगे हम सभी। सभी को एक साथ क्लैप करके ऊर्जा को फैलाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत सुंदर था। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। यस प्रियंका जी, रूप जी, जी रूप जी, मुझे एक बात कहनी थी। कल हम लोग, मैं बोल सकती हूँ रूप जी? जी जी जी, बोलिए बोलिए। नारायण नारायण, थैंक यू। दीदी कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे, तो कल का तो रिकॉर्डिंग है, मगर मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी जी भी ये क्लासेस करते हैं शाम को, तो उनको उनकी ये मूवी नहीं चालू हो रही है जो पीछे के रिकॉर्डिंग से, तो सिर्फ मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मूवी हो सके तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आधी मूवी बाकी हो रही है। हाँ। और मेरे मम्मी तो अच्छा, मैं देखती हूँ अगर वो रिकॉर्डिंग में अगर टाइमिंग को कुछ कर सकते हैं उसको वापस। हाँ। से मैं ओपन कर सकती हूँ। हाँ। मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने 7 bodies बताई ना, तो एक तरह से वही 7 dimensions ही हो गए ना हमारी थॉट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वही 7 dimensions भी। 7 bodies जैसे हो गया, 7 dimensions और 7 bodies जैसे हमारे। फोन अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को पहले म्यूट कर लीजिए। तो जैसे ये भौतिक शरीर पे हमारा जो कारण, सबसे पहले इस बुक में भी हम लोग इस चीजों को जानेंगे कि हम जो चेतना है, चेतना को धरती ग्रह पे आने के लिए इसको काफी सारे ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके चेतना में जो पहला ड्रेस ये पहन रहा है कारण शरीर, जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं कारण शरीर, तो ये कारण शरीर हमारा एक तरह से इस बुक में बताया गया है कि ये कारण शरीर जो है आत्मा का घर है। जब हम इवॉल्व होके एक बार वहां पे जाके, बहुत लोग वहां कुछ दिन जाके एकदम रेस्ट करते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, और बहुत लोग ये सब आगे जानेंगे। तो ये कारण शरीर पहला ड्रेस पहने, उसके बाद हम मानसिक शरीर दूसरा ड्रेस पहने,
उसके बाद हम सूक्ष्म शरीर तीसरा ड्रेस पहने, इमोशनल फिर ये, बॉडी। हाँ बता रही हूँ मैं, फिर ये भौतिक शरीर पहने, और ये भौतिक शरीर में वो एथरिक बॉडी जो है ये भौतिक शरीर में ही चिपका रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी, एक्चुअली ये वैसे तो देखिए 7 बॉडी का क्लास है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक तरह से 7 बॉडी के ऊपर भी पूरी क्लास हो जा रही है इसमें। नहीं दीदी, जैसे है ना 7 बॉडीज है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो एक तरफ से वो डायमेंशन ही हो गया ना 7 जी बॉडी हम का लोग डायमेंशन। अलग अलग डायमेंशन में ही, हम जैसे हमारे कॉन्शियसनेस बढ़ी, हम हैं फिजिकल बॉडी में, लेकिन हम जैसे सेवन अभी बॉडीज सेवन, को तो क्रॉस कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हमारी हाँ कॉन्शियसनेस। हम उस चेतना में ज्यादा रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरी चेतना हाई है, मैं स्पिरिचुअल जैसे कलात्मक है, कम मटेरियलिस्टिक हूँ, तो मैं थर्ड डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन के चेतना में इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी उस चेतना में रह रही हूँ। तो दीदी है ना, फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन के कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है? सेम ही तो है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और मतलब सेकंड फर्स्ट में, बॉडी। हाँ हाँ फर्स्ट में एकदम सेम टू सेम भौतिक जगत ही है, उसका ही छाया स्वरूप है, जो हम शरीर छोड़ के तुरंत एस्ट्रल जाते बॉडी। हैं। तो हाँ यहाँ क्या करते हैं ना, जो लोग ज्यादा अटैच है, मान लीजिए आप अपने घर वालों से अटैच है, आप फिजिकल चीजों से अटैच है, आप अपना कोलकाता शहर से अटैच है, आप इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ही रहते हैं। फिर आपको लगता है नहीं ये सब बहुत हो चुका है यार, अब थोड़ा आगे जाना है, तब आप फर्स्ट सेकेंड डायमेंशन में जाते हो, वहां अपना इल्यूजनरी वर्ल्ड में फिर जीते हो, आपको जो जो चाहिए जैसा चाहिए वहां आप वहां उसके साथ जीते हो। फिर थर्ड डायमेंशन में जब आप मटेरियल मटेरियलिस्टिक और कम होने लगता है, फिर आपको लगता है अब हम अपना यहाँ पे रहने के लिए, वहां तो रात दिन है नहीं, आपके पास पूरा पूरा समय है, क्या करेंगे? तो जो लोग कला में इंटरेस्ट है, जिसको म्यूजिक पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी, तो उनके लिए वहां पे बहुत अच्छा टाइम को यूटिलाइज हो जाते हैं, वो अपने कलाओं को निखारते रहते हैं उस पे और काम करते रहते, तो उनके लिए फिर वो सेकेंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन, फिर आगे के डायमेंशन में लोग ग्रुप में बैठ के सब बातचीत करते हैं कि कैसे चीजों को, जैसे हम लोग होते हैं ना, अब मान लीजिए कोई मेडिटेशन में हम लोग कोई मास्टर बन गए, तो हम लोग है ना भाई लोगों को कैसे सिखाया जाए, लोगों को कैसे और थोड़ा हम लोग गाइड कर सके, ताकि लोग भी ज्यादा जल्दी से जल्दी और मास्टर बन सके, अपनी लाइफ की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो इसी तरह वहां पे भी वो लोग है कि धरती में जो लोग है इतना सफर कर रहे हैं, उनकी चेतना भी इवॉल्व नहीं है, कैसे उनको बढ़ाया जाए, कैसे धरती ग्रह के लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाया जाए, फिर उस पर काम करते हैं, लोगों की चेतना में लोगों की विचार में वो सब डालते हैं, तो इस तरह से आगे आगे के स्तर में लोग बढ़ते जाते हैं। ओके दी, थैंक यू। थैंक यू। फिर हम लोग इस बुक में ना 7 चैप्टर के बाद और भी आगे के चैप्टर में हम लोग 7 डायमेंशन तक का समझेंगे, उसके बाद हम लोग 7 डायमेंशन के बाद एस्ट्रल बॉडी छोड़ के मानक शरीर में क्या एक्सपीरियंस होते वो भी हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग मानस शरीर छोड़ के कॉजुअल बॉडी में क्या एक्सपीरियंस होता है ये भी हम लोग लास्ट के चैप्टर में समझेंगे। यस प्रियंका जी, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती थी। कुछ जी बोलिए। सपोजिंग हम एक साथ में ट्रेवल कर रहे हैं एंड देर इज अ प्लेन क्रैश, तो उसमें सारे लोग के ये लिखी भी रहती है कि ये सबकी सामूहिक मृत्यु होगी, या कोई बेचारा बीच में पिसी जाता है उसका अकारण मृत्यु हो जाती है, क्या होता है ये? लिखी जाती है ऐसा बोल के तो नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट राइट रिटन है, कभी कभी हाँ एक बात का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा बहुत सारे पहलू होते, कितने बार सोल प्लान के हिसाब से रहता है कि हमारी मौत इस तरह से होगी, और कितनी बार होती है कि आपके कर्मा के हिसाब से होती है, और वो जो प्लेन में मान लीजिए ये पूरे लोग एक साथ मरे ना, सबका चेतना एक साथ वो होता है, तब जाके ये पूरा उनके साथ होता है। बहुत लोग आप देखते हैं ना उसी प्लेन में जाने वाले थे, लेकिन अचानक कैंसिल कर देते हैं, अचानक कुछ हो जाता है कि वो नहीं बैठते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अभी समय नहीं हुआ था, उन्होंने उस सिचुएशन को अट्रैक्ट नहीं किया अपने लाइफ में। तो ये सब जो भी हमारे साथ हो रहा है ना पुष्पा जी, वो सब किसी ना किसी
कॉज एंड उस कॉज का इफेक्ट है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है तभी वो हो रहे हैं। इसीलिए तो कोई भी इस धरती पे ना बेचारा या विचारी है नहीं, हर हर कोई ने अपनी लाइफ खुद ही चूज किया, खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और अगर मान लो हमारे बच्चे हैं, मान लो तीन बच्चे हो, दो बच्चे हो, एक यहाँ रह रहा है, एक कोई विदेश चला गया, तो उसके क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंस थे कि ही हैज गॉन सो फार ऑफ? वो हर चेतना, इंडिविजुअल चेतना आपके थ्रू आई है आपकी ये चेतना, लेकिन उस वो चेतना पे हमारा एक्चुअली ना हम पेरेंट्स का कोई हक भी नहीं होता, क्योंकि वो चेतना हमारे थ्रू इस धरती पे आई है, लेकिन उसका अपना खुद का इंडिविजुअल एक सोल प्लान है। वो चेतना भी आपके थ्रू आने से पहले डिसाइड करके आई है कि धरती ग्रह पे रह जाके मुझे विकास मार्ग में कैसे आगे बढ़नी है। तो तीन बच्चे अगर होंगे है किसी के, पांच बच्चे है किसी के, सभी चेतना की अलग अलग सोल प्लानिंग है। क्योंकि मेरी डॉटर यूएस में है, तो मुझे कई बार लगता है कि ये क्यों चली गई यूएस, पास में होती तो अच्छा रहता, तो ये इंडिया में ही कहीं होती, कभी वो बुखार आ जाए या तबीयत खराब हो तो मन में ऐसे लगता है कि अरे तू पास में होती तो तेरा हेल्प भी करते, इतनी दूर तो कोई एक हफ्ते के लिए आ नहीं सकता है। तो आई जस्ट समटाइम्स आई थिंक कि व्हाट इज द रीजन व्हाई शी हैज गॉन सो फार एंड व्हाई वी आर ऑल हियर, क्या है वो धरती पुकार रही है क्या है? नहीं, सबका अपना सोल जर्नी है, और जब एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें उन्हें ये फ्रीडम देना चाहिए कि आप अपना लाइफ एक्सप्लोर करो, कोई बात नहीं अगर उसमें कभी फेल भी हुए, अपने खुद के एक्सपीरियंस से उन्हें सबक लेने दीजिए, उन्हें चीजों को सीखने दीजिए। हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं वो एकदम परफेक्ट ही हर चीज करे, लेकिन जैसे कि पहले के चैप्टर में बताया कि हर आत्मा खुद के अनुभव से ही जीवन में ग्रो करती है और चीजों को सीखती है। तो एज ए पेरेंट्स अलाउ करें इस जो बच्चे रूपी ये फूल को अपने एक्सपीरियंस से खिलने देने के लिए। अच्छा एक और क्वेश्चन था मेरे, जैसे सोल्स है, अपन बोलते हैं कि सोल्स है, तो नए नए सोल्स इवॉल्व होते हैं कि वो ही नंबर ऑफ सोल्स जो स्टार्टिंग में है वो ही चल रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी अगर सोल की गिनती नहीं बढ़ेगी तो? हाँ, ये एक्चुअली ये सब बोलते ना कि बहुत वो पढ़ाई, अनंत पढ़ाई भी, ये भी अनंत पढ़ाई है जो चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तो इसमें भी मान लीजिए मैं एक चेतना हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ, मैं जब कंप्लीट इवॉल्व हो गई तो मेरे थ्रू मैं अब मेरे थ्रू भी अलग अलग सोल, अलग अलग डिफरेंट कॉन्शियसनेस अब और भी आ सकते हैं। तो जो पहले की चेतना आई हुई ऑलरेडी धरती पे है, वो ऑलरेडी इवोल्यूशन में आगे बढ़ रही है, अपनी यात्रा में सब है, नई चेतना भी आती रहती है, तभी तो मिनरल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, तो ये सब तो चेतना है। हाँ, पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ रही है, ये है तो यही मुझे पूछना था। तो फिर सबके जो स्वभाव होते हैं सोल के वो एक ही होते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर नेचर ऑफ द सोल? जब अगर इवॉल्व हो रही है तो कोई एक नहीं, देखिए हम लोग चेतना स्वरूप में हम आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपने अगर मेरी सोल लेसन, सोल यात्रा का जो फर्स्ट मैंने लिया था कि ह्यूमन बॉडी में भी हम कैसे इवॉल्व होते, अगर आपने उसमें देखा था बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, इस तरह से है, तो हम सोल लेवल पे हम बहुत आगे बढ़ चुके, लेकिन कॉन्शियसनेस लेवल पे, समाज के लेवल पे अभी भी हम लोग बेबी सोल स्टेज पे है। और हर यात्रा में, चाहे वो ओल्ड सोल भी हो, हम हर यात्रा में, हर जन्म में हम बेबी सोल से लेके हर जर्नी को हम रिपीट भी करते हैं, हम उन सबको भी दोहराते हैं वापस वापस, फिर जाके हम जहाँ ओल्ड सोल तक के लेसन्स को सीख चुके हैं वहां को जीते हैं, फिर आगे की यात्रा के लिए हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं। तो यात्राएं बहुत तरह से चलती है, कोई एक पर्टिकुलर तरह से आप बोलेंगे ना तो वैसे भी नहीं चलती है। अभी जैसे अब धरती ग्रह पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि चेतना इस तरह से, बहुत हायर कॉन्शियसनेस भी हमारे धरती ग्रह पे है जो अर्थ बाउंडेड सोल नहीं है, लेकिन अर्थ की ऊर्जा को, धरती की चेतना को बढ़ाने के लिए है, और इस वक्त धरती पे ऐसी चेतनाएं बहुत ज्यादा है। थैंक यू।
थैंक यू पुष्पा जी, अच्छा बात है कि ये सब सवाल मन में उठ रही है, सवाल उठेंगे तभी आपको आंसर्स मिलेंगे और इस तरह से तभी तो है सज्जन सांगत्य और बुक रीडिंग स्वाध्याय। जितना ज्यादा आप स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, आपको आपके सवालों के आंसर्स मिलते चले जाएंगे और चीजें आपकी इंटीग्रेट होती जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर आस्किंग। हेलो रूपा जी, जी बोलिए। अच्छा, अर्थ बाउंडेड सोल क्या होती है? अर्थ बाउंडेड सोल, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि हम लोग पहले मिनरल किंगडम में, फिर प्लांट, फिर एनिमल, फिर हम ह्यूमन बॉडी में भी 400 से 500 जन्म लिए, तो ये हो गया अर्थ बाउंडेड सोल। और कोई कोई सोल जो है अर्थ में 2-3 जन्म लिए हो, 2-4 जन्म लिए हो, अर्थ बाउंडेड नहीं है, लेकिन धरती के लोगों को गाइड करने के लिए, धरती की चेतना को बढ़ाने के लिए वो चूज करते कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान के जैसे धरती ग्रह पे जाऊं, तो ये लोग अर्थ बाउंडेड सोल नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कल हम लोग 7th चैप्टर में 3rd डायमेंशन के आगे की यात्रा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग साथ में फिर से एक बहुत सुंदर मूवी देखेंगे और यात्रा को, हम लोग भी अपनी इस यात्रा को हर दिन इंटरेस्टिंग, हर दिन सुंदर बनाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जो लोग लाइव जुड़े, हमारे साथ जो फिजिकली है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू आप ग्रुप में है।